अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू तारिक खान किचन फूड डिजास्टर। अल्लाह के फजल व करम से आप खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाया हूँ वो है फ्राइड चॉप की, पैन फ्राइड चॉप। तो हम इसे पहले स्टीम में भी करेंगे ताकि अच्छी तरह से ये गल जाए। तो इसके लिए ये बीफ चॉप ली है मैंने। इसके अलावा हमें कुछ वेजिटेबल चाहिए, इस तरह के ये आप ये पोटैटो है, आलू है, गाजर है, ग्रीन ऑनियन है सीजनल जो होता है, और टमाटर है, और शिमला मिर्च है। तो अब मैं बताऊंगा आपको इसका आपने कैसे मैरिनेशन करनी है। सबसे पहले मैं इस पर नमक लगा लेता हूँ। आपने दोनों साइडों पर अच्छी तरह से नमक लगा लेना है। इसके अलावा काली मिर्च, अच्छी तरह से लगा लेनी है आपने इसे। अब मैं इसमें व्हाइट सिरका थोड़ा सा डाल लेता हूँ। इसके अलावा लेमन, दोनों साइडों पे अच्छी तरह आपने लगा लेना। और इसे आपने फोर्क की मदद से अच्छी तरह से इसके ताकि अंदर तक जो है मसाला, काली मिर्चें और ये सारा अच्छी तरह मैरिनेशन हो जाए इसकी। अब ये मैंने अच्छी तरह से इस पर लगा दिया, मैं अच्छी तरह मैंने इसको फोर्क की मदद से कर दिया। अब इसे एक घंटे के लिए हमने रख देना है। इसके अलावा जो वेजिटेबल है उस हमारी, और उसको भी आपने ऐसे करना है कि थोड़ी सी काली मिर्चें, और इसके अलावा थोड़ा सा नमक और चिली सॉस, थोड़ी सी चिली सॉस आपने यूज़ करनी है इसके लिए। इसे भी आपने लगा देना, इसे भी ऐसे ही रख देना है एक घंटे के लिए जी। अब तकरीबन एक घंटा हो गया है। अब फॉइल पेपर ले लें आप। फॉइल पेपर में जो हमने ये वेजिटेबल कट की हुई है, टमाटर, ये सब कुछ इसमें इस तरह लगा दें आप नीचे की तरफ। ये वेजिटेबल देखे मैंने इसमें रख दी है। अब इसके ऊपर हम ये चॉप जो हमारी ये इस तरह रख दें, और इस पर जो थोड़ा सा ये बचा हुआ ये भी डाल दें, और इसे अच्छी तरह से फॉइल पेपर के अंदर, ये देखे फॉइल पेपर में इसे अच्छी तरह मैंने पैक कर दिया है। अब इसे हम स्टीम देंगे, तकरीबन एक घंटे के लिए स्टीम देंगे इसे हम। ये देखते हुए मैंने देखें इस तरह पानी रख लिया है, इसके ऊपर छोटा अंदर बर्तन रख लिया है। इस पर जो हमारा फॉइल पेपर में चॉप है हम इस तरह ऐसे रख देंगे, और इसे ऊपर से कवर कर देंगे स्टीम के लिए एक घंटे के लिए। व्यूवर्स, तकरीबन एक घंटा और 20 मिनट हो गए इसे मैं खोलता हूँ। ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाह क्या बात, ज़बरदस्त, बिल्कुल ये गल चुका है इस वक्त। अब वैसे तो खाने को स्टीम रोस्ट ये हम खा सकते हैं, लेकिन हल्का सा इसे हम जो है पैन में फ्राई करेंगे तो ज़बरदस्त किस्म के इसका ऊपर वाला है जो ये बेस है तो बहुत ही मज़ेदार हो जाएगी। तो मैं इसे निकाल लेता हूँ। तो ये वेजिटेबल देखें आप, ये भी बिल्कुल तैयार है हमारी। इसे भी हम हल्का सा फ्राई करेंगे। जो जूस हमारा उसमें से चॉप में से निकला है उसके अंदर ये देखें ये शामिल हुआ है, और इसका जायका ज़बरदस्त हो गया है। तो अब इसे भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, तो ज़बरदस्त खुशबू है। व्यूअर्स, पैन मैंने चढ़ा लिया है, इसमें ऑलिव ऑयल डालूंगा थोड़ा सा, ऑलिव ऑयल
और बटर, और अब इसमें हम मिला देते हैं ज़्यादा। अब मैं दूसरी साइड कर लेता हूँ। तो ये हमारी देखें दोनों साइडों से हो गए बहुत अच्छी तरीके से। अब मैं इसमें वेजिटेबल, लाइट फ्राई बिल्कुल करना है वेजिटेबल को। तो हमारी वेजिटेबल भी हो गई है बिल्कुल रेडी है इस वक्त, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, तो मैं अभी इसे उतार लेता हूँ। तो व्यूवर्स, हमारी पैन फ्राई चॉप बिल्कुल रेडी है ज़बरदस्त खुशबू के साथ। तो ये देखें किस कदर ज़बरदस्त गली हुई है, ये देखें। तो वेजिटेबल इसके साथ ज़बरदस्त, बटर और ऑलिव ऑयल का इम्तिजाज, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल फूड मिज़ास्टर को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।